नमस्ते, मैं लक्ष्मी शर्मा खबर लहरिया से। आइए आज 10 अगस्त की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के बालखंडी नाका मोहल्ले में रिक्शा चालक और कार सवार महिलाओं के बीच हुए विवाद में समझाने आए युवक को महिलाओं ने पीटा। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में आज एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र दुबे ने बताया कि फतेहपुर बजरिया के जिकरिया पीर निवासी ऑटो चालक पुष्पेंद्र अहिरवार 8 अगस्त से गायब थे। बांदा में बाइक सवार युवकों ने ट्रक चालक और कंडक्टर से मारपीट की। चालक का आरोप है कि युवकों ने ट्रक में रखी 34,000 की रोकड़ भी छीन ली। ऐतिहासिक कजली मेला देखने गए विलगांव निवासी देशराज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनका शव नाले में मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। बांदा जिले के गिरवा थाना के सामने टैक्सी को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ के भाजपा कार्यालय के गेट पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क जाम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित किया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी सांसद मौजूद थे। सरकार ने 2023-24 तक दूध उत्पादन बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने के उद्देश्य से मौजूदा वित्त वर्ष में 10 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य राज्यवार तय किया गया है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने कार्यकाल के पूरा होने से एक दिन पहले साक्षात्कार में कहा कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है। उन्हें भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश का माहौल बदल गया है। टीम इंडिया के ओपनर अभिनव मुकुंद ने सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखकर नस्ल भेद के खिलाफ कड़ी मुहिम छेड़ी है। अभिनव बताते हैं कि उनके रंग के कारण उन्हें कई टिप्पणियां सहनी पड़ी, जिससे वह कई बार दुखी हो गए। ये थी आज के दिन भर की मुख्य खबरें। कल के दिन भर की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।